तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अब सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम सिंह फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स की अपनी अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज डे 25 होने वाला है प्यारे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। देखो, जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक था, फेडरल रिजर्व बैंक है प्यारे बच्चों, इसमें अभी तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं था। पहली बार इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस पोस्ट पे किसका चयन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्योंकि किसी भारतीय मूल की महिला का इसमें चयन हुआ है। वो कौन हो जाएंगी? सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, सुष्मिता शुक्ला जो कि भारतीय मूल की एक महिला है, जो कि अभी तक किस कंपनीज में काम कर रही थी, तो किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही थी। अभी तक जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रही थी और अब इनको क्या बना दिया गया है, तो फेडरल रिजर्व बैंक किसका? न्यूयॉर्क का। सर, आप हमारे देश में भी एक फेडरल रिजर्व बैंक है, कौन सा है प्यारे बच्चों? हमारे देश का जो फेडरल बैंक है या हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो वहां पे क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम चलता है। फेडरल रिजर्व एक सिस्टम चलता है और इस सिस्टम के अंतर्गत टोटल 12 आपको फेडरल बैंक मिलेंगे और इसी 12 फेडरल बैंक के अंदर न्यूयॉर्क का जो फेडरल बैंक है उसमें किसका चयन हुआ है, तो सुष्मिता शुक्ला जो कि भारतीय मूल की है। ये अपना कार्यभार कब से संभालेंगे प्यारे बच्चों? तो ये अपना कार्यभार संभालेंगी मार्च 2023। ठीक है, तो पहली बार इस पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कौन से पोस्ट को? तो फेडरल रिजर्व बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को। ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अगर मैं बात करूं मेघना अहलावत की, तो मेघना अहलावत जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती है पहले बच्चों, पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है किसकी? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, बात करूं मैं साजी केवी की, साजी केवी पहले बच्चों, इनको हाल ही में नाबार्ड का चेयरमैन बनाया जाता है। नाबार्ड का क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, सुंदर रमन रामामूर्ति की, तो ये हाल ही में इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति किसकी होती है? सुंदर रमन रामामूर्ति जी की। साजी केवी नाबार्ड के चेयरमैन बनाए जाते हैं और मेघना अलावा जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है किसकी? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और सुष्मिता शुक्ला जो कि भारतीय मूल की महिला है, इनको क्या बनाया जाता है? तो यूएसए के जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, फेडरल रिजर्व बैंक है किसका? न्यूयॉर्क का, उसके मेंबर बनाया जाता है। और टोटल कितने बैंक्स हैं ऐसे? तो 12 बैंक्स। आगे बढ़ो, आगे पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ B20। B20 के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सर, G20 तो मैंने सुना था, तो चलिए G20 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि G20 का जो 2022 वाला एडिशन था, इसकी मेजबानी किसने की थी? तो इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था, इंडोनेशिया के बाली के अंदर। आपको पता है प्यारे बच्चों, जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 है, इसका जो 2023 वाला एडिशन है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। हाल ही में हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि इसके जो शेरपा है उसे किसे बनाया गया था? तो अमिताभ कांत को क्या बनाया गया था? शेरपा बनाया गया था। और शेरपाओं की बैठक भी हुई थी प्यारे बच्चों, कहाँ पे? तो उदयपुर के अंदर शेरपाओं की बैठक हुई थी। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे, किससे रिलेटेड? G20 से रिलेटेड। सर, आप मुझे G20 के बारे में क्यों बता रहे हो? B20 का क्वेश्चन है। अब देखो, जो G20 है ना प्यारे बच्चों, G20 है जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें जो नेशंस होंगे प्यारे बच्चों, इन नेशंस का जो बिजनेस रिलेटेड जितनी भी डील्स होंगी ना, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, वो कौन बनने वाला है? तो ये बनने वाला है एन चंद्रशेखरन। तो यानी कि जी ट्वेंटी के अंदर जो बिजनेस रिलेटेड बातें होंगी, उसका सभी देशों का आवाज़ कौन बनने वाला है, या सभी देशों का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनने वाला है? तो एन चंद्रशेखरन। ये कौन है प्यारे बच्चों? तो ये चेयरमैन का पोस्ट संभाले हुए हैं किस कंपनी का? तो टाटा एंड सन्स का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, टाटा सन्स के चेयरमैन के पोजीशन पे ऑलरेडी हैं ये। और G20 के अंदर जो B20 होगा, उसकी जो है
रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनका चयन हुआ है। पीटी उषा की बात करूं अगर मैं, प्यारे बच्चों, पीटी उषा को मैंने आपको बताया था इनके बारे में, पीटी उषा 10 दिसंबर को, प्यारे बच्चों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, 10 दिसंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का क्या था प्यारे बच्चों, तो ये था आपका इलेक्शन। और इस इलेक्शन में एक तरफ तो कौन खड़ी थी, एक तरफ खड़ी थी पीटी उषा जी, और दूसरी तरफ जो है वो कोई नहीं खड़ा था। तो जब कोई ओपोनेंट नहीं होगा तो जीत किसकी होगी, पीटी उषा की। तो पहली महिला प्रेसिडेंट किसका, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कौन बनी है, पीटी उषा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों दीपा मलिक जी का, तो दीपा मलिक कौन से खेल से संबंध रखती है, पहले ये जानो दीपा मलिक कौन से खेल से संबंध रखती है, तो ये संबंध रखती है शॉटपुट से, शॉटपुट से, ठीक है, और ये संबंध रखती है चक्का फेंक से या डिस्क थ्रो से, ठीक है, ये दो खेलों से ये संबंध रखती है कौन, तो दीपा मलिक। इनको हाल ही में प्यारे बच्चों निक्षय मित्रा, निक्षय मित्रा ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये एक अभियान है, किसका अभियान है, तो टीवी मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नियुक्ति किया गया था, तो दीपा मलिक का नियुक्त किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों पैरा ओलंपिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ये क्या है, तो ये प्रेसिडेंट भी है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं राजीव लक्ष्मण की, तो इन्हें हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का प्यारे बच्चों चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको कि B20 जो कि G20 के अंतर्गत जितने भी बिजनेस रिलेटेड डील्स होंगी उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो एन चंद्रशेखरन कौन से पोस्ट पे हैं ये, तो फिलहाल जो है टाटा एंड सन्स के ये चेयरमैन के पोस्ट में। आगे पूछ रहा है कि विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च AI पावर्ड पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज अकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, साथ ही साथ बाहरी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लाना है। अब समझो क्या हुआ है, किसी राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो जारी किया है। ये ऑनलाइन पोर्टल काम किस पे करेगा, तो ये ऑनलाइन पोर्टल काम करेगा AI पे। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सपोज अभी देखो शादियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, शादियों का मौसम चल रहा है तो सभी कोई शॉपिंग कर रहे होंगे, शादियों का मौसम है सभी कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब आपको शॉपिंग करना होता है तो आप कहाँ जाते हो, फ्लिपकार्ट में जाते हो। सपोज आप मान लो फ्लिपकार्ट में गए, आपने अपने लिए जीन्स पसंद किया, ठीक है, फिर आपने बोला नहीं ये जीन्स मज़ा नहीं आ रहा है, आपने एप्लीकेशन बंद कर दिया और फ़ोन पे किसी और काम पे लग गए। AI का मतलब होता है जैसे ही आपने जीन्स को सर्च किया ना, वैसे ही AI क्या करेगा, आपकी जो पसंद है, आपका जो प्रेफरेंस है, आपको अभी क्या चाहिए वो स्टोर करके रख लेगा, और बार बार आपको जीन्स दिखाएगा अलग अलग ब्रांड्स का या अलग अलग कंपनीज का। इसी को बोलते हैं AI। AI इसी पे काम करता है। तो एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है, कौन सी सरकार ने, आपको बताना है, और AI पे ये काम करने वाला है पोर्टल, ठीक है। तो ये किया है किसने प्यारे बच्चों, ये किया है कर्नाटका सरकार ने। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, बासवराज बोमाई साहब जो हैं ये क्या हो जाएंगे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर। और इनके द्वारा ही क्या शुरू किया गया, एक पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में क्या होगा, इंडस्ट्रीज भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट्स मिलेंगे, इंडस्ट्रीज को एक अच्छा लेबर मिलेगा, यानी कि लेबर यानी कि वर्कफोर्स मिलेगा, स्टूडेंट को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होगा, रोजगार भी पैदा होगा, सभी को रोजगार भी मिलेगा और इंडस्ट्रीज में ग्रोथ भी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट हुरोन ग्लोबल 500 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का रैंक हाल ही में प्यारे बच्चों हुरोन ग्लोबल 500 की एक लिस्ट आई है। इस लिस्ट में बेसिकली कंपनीज को रखा जाता है किस बेसिस पे, तो वो कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, वो कंपनी जो मार्केट में ज्यादा पैसा लगाती है ना, वो कंपनी जो कि मार्केट के अंदर ज़्यादा कैपिटल या मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा लगाती है उनको इस कंपनीज में शामिल किया जाता है।
सपोज एक दो तीन चार करके, एक दो तीन चार पांच करके 500 कंपनीज हैं। अब ये 500 कंपनीज किसी एक देश की तो नहीं होगी, अलग अलग देशों की होगी। तो पूछ रहा है सपोज मान लो एक देश की 10 कंपनी है, एक देश की 20 कंपनी है, एक देश की 30 कंपनी है, तो पहले पोजीशन पे कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि भारत का रैंक कितना है, तो भारत का रैंक हो जाएगा 5। भारत की कितनी कंपनीज इसमें शामिल है, तो भारत की 20 कंपनीज इसमें शामिल है। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी कंपनीज भारत की शामिल है। तो जैसे आपने सुना होगा HCL या आपने सुना होगा रिलायंस, तो ये सारी कंपनीज आपको किसमें मिलेगी, इस इंडेक्स में मिलेगी। भारत के साथ पैर पर बच्चों पांचवें रैंक पे ही कौन सा देश है, तो पांचवें रैंक पे ही कौन सा देश है, कैनेडा है, क्योंकि कैनेडा की भी 20 कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल है। सर ये बताइए कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर की बात करूं तो यूएसए, यूएसए जो है वो टॉप पे है मेरे बच्चों, यूएसए जो है वो टॉप पे है। टोटल इसकी कितनी कंपनीज है मेरे बच्चों इस लिस्ट में, तो टोटल आपको देखने को मिलेगी 270 कंपनीज, किसकी, तो यूएसए की। तो ये जो हारून ग्लोबल 500 लिस्ट है मेरे बच्चों, इसमें भारत की कितनी कंपनीज हो जाएंगी, तो भारत की 20 कंपनीज इसमें हो जाएगी। यूएसए की बात करूं तो यूएसए की 270 कंपनीज इसमें हो जाएगी। टॉप पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चों, तो एप्पल आपके टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दूसरे पे आ जाएगा। और तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट जो है ये तीसरे पे आ जाएगा। और देखो ये कंपनीज किसकी है, यूएसए की है, और इसीलिए 270 कंपनीज जो है 500 के लिस्ट में इस कंपनीज में है। और मैंने आपको बताया कि ये डेटा कैसे रिलीज किया जाता है, तो डेटा किस आधार पर रिलीज किया जाता है, तो कौन सी कंपनी जो है कितना कैपिटल जो है वो मार्केट में लगा रही है, तो भारत का रैंक इसमें पांचवा हो जाएगा। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेटेड। देखो आपको पता है मेरे बच्चों, भारत का इच्छा है, भारत ने संकल्प किया है कि भारत जो है वो 2070 तक, 2070 तक क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, आप में से कुछ ये समझ रहे होंगे कि सर कार्बन न्यूट्रल का तो मतलब ये होता है ना कि पूरी तरीके से कार्बन से, पूरी तरीके से कार्बन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कार्बन को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, कार्बन निकलेगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है, सपोज मान लो पांच कार्बन निकला, पांच कार्बन निकला और इस पांच कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इस पांच कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड को, या कार्बन को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो प्लांट्स ट्रीज करेंगे, यानी कि भारत ट्रीज वगैरह को, बायोडाइवर्सिटी को और ग्रोथ कराना चाहता है। तो भारत ने निर्णय लिया है कि 270 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही नहीं या कार्बन निकलेगा ही नहीं, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है पांच कार्बन रिलीज हुआ और पांच ही कार्बन को हमने खींच लिया, पांच निकला पांच को खींच लिया, तो जीरो बचा, तो इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म का इनॉग्रेशन किया है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो केरला सरकार ने, केरला सरकार ने पहले बच्चों भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया है। कब किया है पहले बच्चों, तो 10 दिसंबर 2022 को किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है मेरे बच्चों, पी विजयन, पी विजयन जो यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री भी है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे बच्चों कि सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को, सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए पीछे कौन सा स्टेट जिम्मेदार है, तो केरला ही हो जाएगा। केरला ने ही सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और अब जो है इन्होंने क्या खोल दिया है, तो कार्बन न्यूट्रल फार्म की शुरुआत कर दी है। कब, तो 10 दिसंबर 2022 को। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे बना है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे बना है ये बताओ, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, तो ये आपके लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको याद होगा कि यूपी ने 2041 तक ये निश्चय किया है कि जो मथुरा वृंदावन है,
जो मथुरा वृंदावन है प्यारे बच्चों, वृंदावन है इसको पूरी तरीके से, वृंदावन है इसको पूरी तरीके से कार्बन फ्री कर देंगे, कब तक? तो 2041 तक। और भारत का कितना है? तो 2070 तक। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि हु वाज ऑनर्ड विद S&P प्लैट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो S&P प्लैट्स जो है ना, S&P प्लैट्स अवार्ड चल रहा है, S&P प्लैट्स जो है ये अवार्ड चल रहा है मेरे बच्चों, ये एक अवार्ड फंक्शन है, ये चल रहा है, इसका 24वां संस्करण जो है, 24वां संस्करण जो है वो कहाँ पे चल रहा है? तो न्यूयॉर्क के अंदर। 24वां संस्करण जो है ये कहाँ पे चल रहा है? तो न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है। तो इस S&P प्लैट्स अवार्ड्स में प्यारे बच्चों किसको किसको क्या मिला है? तो इनको अवार्ड मिला है किसका? तो CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड। मैंने क्या कहा कि S&P प्लैट्स अवार्ड चल रहा है, इसका 24वां संस्करण कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। और इसके अंदर बेस्ट CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो जो NTPC है ना, NTPC आप एग्जाम वगैरह भी देते हो, तो NTPC जो है भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली ये कंपनी है। और इसके जो CEO हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? गुरदीप सिंह इसके CEO हो जाएंगे। और इनको क्या मिला है? बेस्ट CEO का अवार्ड मिला है। किसमें प्यारे बच्चों? तो S&P प्लैट्स अवार्ड, जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो गुरदीप सिंह को क्या मिला है प्यारे बच्चों? S&P प्लैट्स अवार्ड कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। और ये NTPC की क्या है? CEO है। और इनको क्यों मिला है प्यारे बच्चों? तो इनको मिला है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। किस इंडस्ट्री में? तो ये पावर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो पावर इंडस्ट्री में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको बेस्ट CEO का अवार्ड मिला है। सर कृष्णा वावेला कौन हो जाएंगे? तो हमने कल ही पढ़ा था कि कृष्णा वावेला वो व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में यूएसए का प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएसए के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस काम के लिए? तो अपने सोशल वर्क के लिए, अपने सोशल वर्क के लिए। सर वीना नायर कौन हो जाएंगी? तो वीना नायर प्यारे बच्चों वो महिला है, वीना नायर जो है वो महिला है जिनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के PM अवार्ड से नवाजा गया था। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये सेकेंडरी स्कूल में क्या है प्यारे बच्चों? ये साइंस टीचर है। तो इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन में के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया का PM अवार्ड दिया गया था। किसको? तो वीना नायर को। अरुण कुमार सिंह कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो ये पहले BPCL में थे और हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है किसमें? तो एज अ चेयरमैन ऑफ ONGC के नए चेयरमैन के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बेस्ट CEO का अवार्ड किसको मिला है? गुरदीप सिंह को मिला है। आगे बढ़ते हैं। विच पेमेंट गेटवे बिकम्स द फर्स्ट टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI? देखो जब आप UPI का पेमेंट करते हो, UPI के पेमेंट करने से पहले आपको अपना डेबिट कार्ड जो है उसमें अटैच करना होता है। UPI का पेमेंट आप किससे करते होंगे? या तो आप फोन पे से करते होंगे, या तो आप गूगल पे से करते होंगे, या तो आप पेटीएम से करते होंगे, या अलग अलग भीम ऐप से करते होंगे। बेसिकली आप क्या करते हो? पेटीएम करते हो किसके थ्रू? UPI के थ्रू आप पेमेंट करते हो। अब होता क्या है कि आप इसमें डेबिट कार्ड आपको इसके अंदर डालना पड़ता है, बट क्या UPI के अंदर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स लेता है? नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स तो नहीं लेता है। क्या पूछ रहा है कि क्या UPI को आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि क्या क्रेडिट कार्ड को UPI के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। बट जो पहली कंपनी बनी है, पहली फिनटेक कंपनी बनी है जिसने क्या शुरू किया है कि अब जो UPI के थ्रू आप UPI जो है आप क्रेडिट कार्ड को ऐड करके, यानी कि UPI के अंदर आप क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालोगे, क्रेडिट कार्ड आपका ऐड हो जाएगा और इसके थ्रू आप क्या करोगे? पेमेंट कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हो। ये शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? रेजर पे, ठीक है। तो पहले जनरली क्या होता था, UPI से जब आपको पेमेंट करना होता था तो आप डेबिट कार्ड को ऐड करते थे और कोई भी कार्ड ऐड नहीं होता था। बट अब क्या है, आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालोगे और आपका UPI शुरू हो जाएगा जैसे नॉर्मली काम करता है वैसे, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप UPI का पेमेंट कर सकते हो। और ऐसा शुरू करने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? रेजर पे। इसकी शुरुआत होती है मेरे बच्चों कब? 2014 में। कहाँ की कंपनी है ये? तो बेंगलुरु की ये कंपनी है, ठीक है। दो लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत होती है और ये बेंगलुरु की कंपनी है। तो
ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी बन गई। पहली कौन सी कंपनी? तो फिनटेक कंपनी। कौन सी कंपनी? तो फिनटेक कंपनी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय आर्टन कैपिटल। आर्टन कैपिटल पर बच्चों ये क्या रिलीज करता है? तो पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करता है। ठीक है, किसका पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करता है प्यारे बच्चों? तो ये उन देशों का पासपोर्ट इंडेक्स। बेसिकली इस पासपोर्ट इंडेक्स में होता क्या है कि सपोज मान लो पासपोर्ट है, पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट से वो पासपोर्ट मजबूत होता है जिस देश के पासपोर्ट से आप ज़्यादा देशों में आप क्या कर सकते हो? ट्रैवल कर सकते हो। मैंने क्या कहा? ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हो, इसका मतलब ये होता है उस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा जिस देश के पासपोर्ट से आप ज़्यादा देशों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के जा सकते हो। जनरली क्या होता है कि आपके पास पासपोर्ट है, आप 4 देश 5 देश 20 देश घूम सकते हो, बट इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पासपोर्ट के थ्रू आप ज्यादा देश जा सकते हो उस पासपोर्ट को क्या रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है किसने? आर्टन कैपिटल में। इसके द्वारा भारत का रैंक कितना हो जाएगा? तो भारत का रैंक हो जाएगा कितना? 87। ठीक है, भारत का रैंक कितना हो जाएगा? तो भारत का रैंक जो है वो 87 हो जाएगा। ठीक है सर, टॉप पोजिशन पे कौन है? तो टॉप पोजिशन पे हो जाएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्यों टॉप पोजिशन है प्यारे बच्चों? क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पासपोर्ट जिसके पास है वो 180 कंट्रीज के अंदर आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के घूम सकती है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो आर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है, ये बताता है कि कौन सा पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल पासपोर्ट का मतलब होता है वो पासपोर्ट जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में घूम सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में घूम सकते हो बिना किसी कागजी कार्रवाई के। इसमें भारत का रैंक कितना है? 87। पहले रैंक पे कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले रैंक पे यूएई हो जाएगा, क्योंकि यूएई के पासपोर्ट से आप टोटल 100 कंट्रीज में घूम सकते हो। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी प्यारे बच्चों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आई थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग जापान को पहला स्थान मिला था। ठीक है, तो आर्टन इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहला स्थान यूएई को मिला है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहला स्थान यूएई को मिला है। पूछ रहा है कि बर्ड वॉचर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड। बर्ड वॉचर्स कौन होते हैं प्यारे बच्चों? जो नई नई स्पीसीज के बर्ड्स को खोजने का काम करते हैं। हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ रेन बैबलर। रेन बैबलर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये एक स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है? तो बर्ड स्पीसीज है। किसकी स्पीसीज है? तो बर्ड स्पीसीज है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाल ही में जो बर्ड वॉचर्स है उन्होंने हाल ही में रेन बैबलर्स की एक नई प्रजाति का खोज किया है। एक नई प्रजाति उनको देखने को मिली है। ये जो नई प्रजाति मिली है प्यारे बच्चों, ये कौन सी कलर की है? तो ये ग्रे कलर की है, इसलिए इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? ग्रे बेली रेन बैबलर्स। ठीक है, रेन बैबलर्स। तो पूछ रहा है ये किस जगह आपको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में हाल ही में नए किस्म का, यानी नए किस्म का रेन बैबलर मिला है, जिसे क्या, जो कौन से कलर का है? ग्रे कलर का है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रे बेली रेन बैबलर इसका नाम है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा प्यारे बच्चों इसका नामकरण भी रख दिया गया है। इन्हीं के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया है? लीसू रेन बैबलर। मैंने क्या कहा कि हाल ही में रेन बैबलर जो है ये एक बर्ड की स्पीसीज है, और हाल ही में इसकी एक नई स्पीसीज का खोज हुआ है, ये स्पीसीज का, जिसका जो शरीर है वो ग्रे कलर का है। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रे बेली रेन बैबलर। भारत के जो बर्ड वॉचर्स है जिसने इसको देखा है पक्षी को, इसका नाम क्या रख दिया है? लिसू रेन बैबलर। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी और क्वेश्चन हैं उसके बाद देखेंगे। इन विच स्टेट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल इज इनॉग्रेटेड। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हुआ कहाँ पे? कोची के अंदर प्यारे बच्चों हुआ। कोची कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपके केरला में हो जाएगा। तो केरला के अंदर भारत का सबसे बड़ा क्या बना है? तो बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया प्यारे बच्चों? तो पी विजयन के द्वारा। पी विजयन कौन हो जाएंगे? तो
केरला के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, केरला के सीएम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंड इंडो कॉर्पैट इज बिंग कंडक्टेड रिसेंटली। पूछ रहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी के द्वारा, इंडिया और इंडोनेशिया आर्मी के द्वारा, प्यारे बच्चों इंडोनेशिया आर्मी के द्वारा 2002 से साल में, ईयर में दो बार, साल में टू टाइम्स एक नेवल एक्सरसाइज किया जाता है, नेवल पेट्रोलिंग एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज किया जाता है। पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का मतलब वो ये होता है कि समुद्र में गश्त लगाने का एक्सरसाइज, ठीक है, इसका नाम क्या है, इंड इंडो कॉर्पैट। तो पूछ रहा है कि इस बार जो एक्सरसाइज किया गया है ये इसका कितने नंबर का एक्सरसाइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 नंबर का। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज या एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का मतलब है गश्त लगाने का एक्सरसाइज है, ठीक है, कब से शुरुआत हुआ था, 2002 से, हर साल दो बार होता है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, किसका, पेट्रोलिंग का, किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और इसका नाम क्या है, इंड इंडो कॉर्पैट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और ये कब से कब तक चलेगा प्यारे बच्चों, 8 से 19 दिसंबर तक ये चलने वाला है, कौन सा, तो इंड इंडो कॉर्पैट। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों और भी, अगर इसकी बात करूं कि कौन कौन सी अगर इसमें बात करूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडो और इंडोनेशिया के बीच में होता है, तो आप लिखो गरुड़ शक्ति, ये भी जो है ये किसके बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, या लिखो समुद्र शक्ति, ये भी किसके बीच में होता है, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो 8 से 19 दिसंबर तक ये चलेगा, और आईएनएस कामुक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, INS कामुक, इंडियन नेवी की INS कामुक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आगे बढ़ो, आगे पूछ रहा है कि रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मोपा एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन से राज्य में किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किया गया कहाँ पे, गोवा के अंदर हाल ही में प्यारे बच्चों क्या किया गया, गोवा के अंदर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये मनोहर पर्रिकर, हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर, हमारे क्या थे, ये पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनकी याद में, इनको डेडिकेट करके प्यारे बच्चों इस मोपा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया, किसने, तो नरेंद्र मोदी ने। ये किस टाइप का एयरपोर्ट होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होने वाला है, कौन सा, तो मोपा एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है। इसमें ये माना जा रहा है प्यारे बच्चों आने वाले टाइम पे 200 फ्लाइट्स जो है ये काम करना शुरू करेंगी, ठीक है। और अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, इंडिगो और गो फर्स्ट नाम की जो दो कंपनीज हैं, इसकी फ्लाइट्स जो है यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो मोपा जो एयरपोर्ट है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है प्यारे बच्चों, कहाँ पे शुभारंभ किया गया, गोवा के अंदर, किसकी याद में, तो मनोहर पर्रिकर के नाम पे याद में, ये हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। गोवा जो है ये स्टेट कब बनता है प्यारे बच्चों, 1987 के अंदर, पणजी इसका कैपिटल हो जाएगा। पोर्चुगीज कब जाते हैं, तो 1961 में। ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा इंडियन मिलिट्री का, तो ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा विजय। तो गोवा के अंदर क्या शुरू किया गया है, तो मोपा एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस हिमालयन मेडिसिनल स्पीसीज हैव बीन एडेड टू द IUCN रेड लिस्ट। देखो IUCN रेड लिस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों, ये एक लिस्ट होती है जो कि कंजर्व करती है किसको, नेचर को कंजर्व करने का काम करती है, किसको, नेचर को कंजर्व करने का काम करती है। ये रिस्ट लिस्ट जो है मेरे बच्चों, ये एक रेड बुक भी जारी करती है और साथ ही साथ रेड लिस्ट भी जारी करती है। इस लिस्ट में किसको रखा जाता है, रेड लिस्ट में या रेड बुक में, तो इसमें उन लोगों का रखा जाता है जो कि खत्म होने के कागार में है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो IUCN रेड लिस्ट होता है प्यारे बच्चों,
ये रेड लिस्ट किसका होता है, तो जो ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है मेरे बच्चों, ये कंजर्व करने का काम करती है किसको, तो नेचर को, ऑर्गेनिजम्स को, उन लोगों को जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। तो ये दो टाइप की चीज़ें रिलीज करती हैं, एक रेड बुक रिलीज करती है और एक रेड लिस्ट रिलीज करती है, ठीक है, रेड बुक और रेड लिस्ट रिलीज करती है। तो पूछ रहा है मेरे बच्चों कि हाल में कौन कौन सी मेडिसिनल स्पीसीज जो है इस लिस्ट में जारी किया गया। तो देखो ये जो लिस्ट रिलीज करती है ना, जो लिस्ट रिलीज करती है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है कौन सा, वल्नरेबल, वल्नरेबल वो स्पीसीज जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। उसके बाद आता है वो स्पीसीज जो कि इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, और उसके बाद आता है वो स्पीसीज जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि IUCN जो है, IUCN वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, उन स्पीसीज को अपने लिस्ट में रखती है जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है या जो ख़त्म होने वाले हैं। तो IUCN ने हाल ही में तीन मेडिसिनल स्पीसीज जो कि हिमालयाज में पाई जाती है उनको अपने लिस्ट में शामिल किया है। वो कौन कौन सी है ये आपको बताना है। ये दो चीज़ रिलीज करती है, रेड बुक और रेड लिस्ट, किसके आधार पर, तो जो वनरेबल है एक लिस्ट में वनरेबल निकालती है, एक लिस्ट में इंडेंजर्ड और एक लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो कौन कौन सी वो तीन स्पीसीज हो जाएंगी मेरे बच्चों, तो ये हो जाएंगी मेजोट्रॉपी पेलेटा, इसका लोकल नाम क्या है, पाटवा, ये आपके उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हिमालयन फिटलरी, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके चाइना के अंदर पाया जाता है। और दूसरा हो जाएगा सलाम पांजा, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपके इंडिया, ये आपके अफगानिस्तान, या आपके पाकिस्तान, या आपके भूटान, इस जगह पे पाया जाता है। तो ये तीन स्पीसीज हैं जो कि किस में काम आती है, मेडिसिन्स बनाने में काम आती हैं, और इन तीनों स्पीसीज को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है, यानी कि ये विलुप्त होने के कगार पे। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ टायर वन सिटीज विद द हाइएस्ट जॉब क्रिएशन रेट अक्रॉस इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाई रैंडस्टैड इनसाइट्स टैलेंट ट्रेंड्स। देखो एक रिपोर्ट जारी किया गया है मेरे बच्चों, किसके द्वारा, तो रैंडस्टैड जो है इसने एक रिपोर्ट जारी किया, और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी वो सिटी है जो कि अपने लोगों को ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो कौन सी सिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो ये वो सिटीज़ है जो कि अपने लोगों को, यानी कि वहां के लोगों को सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बेंगलुरु इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो रैंडस्टैट जो है इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया, और इसके अकॉर्डिंग जो बेंगलुरु है वो सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही है सभी सिटीज के मुकाबले। अच्छा टायर वन मतलब यहाँ पे क्या है, देखो शहरों के अकॉर्डिंग ना, शहरों के जैसे क्या होता है, एक होता है डेवलपिंग नेशन, एक होता है डेवलप नेशन, और एक होता है अंडर डेवलप। सबसे ऊपर आता है ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। तो वैसे ही शहरों का भी नामकरण होता है, जो टायर थ्री में आता है तो वो है जो कि अंडर डेवलप है, टायर टू में जो आता है ये वो है जो कि डेवलपिंग है, और टायर वन में वो आता है जो कि डेवलप है। तो टायर वन के में सबसे टॉप में जो सिटी हो जाएगी जो कि सबसे ज़्यादा जॉब्स दे रही है वो कौन सी हो जाएगी, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ इज गोइंग टू ओपन इन विच सिटी। कौन से शहर में प्यारे बच्चों, कौन से शहर में वन हेल्थ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की शुरुआत होने वाली है, तो ये हो जाएगा कौन सा, नागपुर के अंदर, ठीक है। हाल ही में प्यारे बच्चों नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, और हाल ही में प्यारे बच्चों समृद्ध राजमार्ग रोड का जो है उद्घाटन किया था किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ ही साथ क्या किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का फाउंडेशन स्टोन, यानी कि फाउंडेशन शुरुआत की है किसने, नरेंद्र मोदी जी साहब ने, कहाँ पे, नागपुर के अंदर। नागपुर कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ क्या हो जाएगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ जो है ये रिसर्च करेगा बीमारियों के बारे में, वो बीमारियाँ जो कि जानवरों से होती है, वो बीमारियाँ जो कि मौसम से होती है, वो बीमारियाँ जो कि वायरस से होती है, वो बीमारियां जो कि अलग अलग चीज़ों से होती हैं। तो इसका शोध होगा, इसका जो है रिसर्च होगा कहाँ पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ में। इसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पे, नागपुर के अंदर, और नागपुर के अंदर ही प्यारे बच्चों उन्होंने समृद्ध रोड की शुरुआत की गई है, किसके याद में आप ये मुझे बताओगे, ठीक है, किसके याद में
मैं ही बता दूँ, बाला साहब ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के याद में, साहब बाला साहब ठाकरे के याद में प्यारे बच्चों समृद्ध रोड का निर्माण किया है किसने, तो महाराष्ट्र सरकार ने, और इसका नाम जो है वो बाला साहब ठाकरे रोड के राजमार्ग के नाम से दिया गया है। तो नागपुर के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की भी शुरुआत हुई, फाउंडेशन स्टोन को लगाया गया, और साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे रोड मार्ग का भी फाउंडिंग स्टोन को लगाया गया। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 157 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को यानी कि आज ही प्यारे बच्चों भारत के 157 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल अप्रेंटिस फेयर का, नेशनल अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया गया, जिसमें क्या होगा जो 5 से लेकर 12वीं तक के बच्चे और साथ ही साथ आईटीआई करने वाले बच्चे जो हैं वो आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगी, इंडस्ट्रीज आएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज और ये लोग मिलेंगे, और इससे क्या होगा, जॉब जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आयोजन 157 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया, कहाँ पे, तो भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्यारे बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनस सी शाह को क्या बनाया है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, हाल ही में आपको याद होगा प्यारे बच्चों एनडीडीबी ने, एनडीडीबी ने और आमूल ने मिलकर एक साइन किया था, एक पैक साइन किया था किसके साथ, श्रीलंका के साथ, कि ये दोनों जो हैं ये टेक्निकल हेल्प देंगे किसको, श्रीलंका को, क्या प्रोड्यूस करने में, तो मिल्क को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है कौन सी प्यारे बच्चों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, तो मिनस सी शाह की। आगे देखते हैं। सिडनी मैकलॉलिन लेवरोन और मोंडो डुप्लांटिस, ये कौन है प्यारे बच्चों, तो ये रनर है, हर्डल रनर, ठीक है, हर्डल रनर, हर्डल रनर, ये हर्डल रनर है प्यारे बच्चों। और ये कौन है, तो ये है पोल वॉल्टर, पोल वॉल्टर। क्या होता है प्यारे बच्चों पोल वॉल्टर, आपने देखा होगा एक पाइप में खड़े होकर एक रस्सी को पार करते हैं, और हर्डल रनर क्या होता है कि बीच बीच में कूद कूद के जाना पड़ता है। तो ये है हर्डल रनर और ये है पोल वॉल्टर, और इनको क्या मिला है, तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले कौन है प्यारे बच्चों, ये है एशला बाटी, इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2022 में, 25 साल की उम्र थी इनकी, और इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी ले लिया है, किससे, टेनिस से, रिटायरमेंट ले लिया है किससे, टेनिस से, ठीक है। और ये तीसरे तीसरे व्यक्ति बन जाते हैं, तीसरी पर्सनालिटी बन जाती है जिसको क्या मिलता है, डॉन ब्रैडमैन अवार्ड, डॉन ब्रैडमैन अवार्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो एशली बाटी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, जो अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर एमसीडी के इलेक्शन हुए थे प्यारे बच्चों, एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, वहीं पे प्यारे बच्चों एक पार्षद बनी है, जो कि दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर, जो कि दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर क्या बनी है, पार्षद बनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एमसीडी के इलेक्शन में एक महिला है जिनका नाम क्या है प्यारे बच्चों, बॉबी किन्नर, ठीक है। ये पहली जो है, पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है किसकी, तो दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो यहां तक रखते हैं चीजों को, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स पे देते रहें। तो मिलते हैं, जय हिंद।